Okay. So good morning, students. Welcome to class 12. Hope so. हम बहुत जल्द ऑफलाइन चालू करें, बट उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा. हो सकता है कि पूरा फिजिकल आपको ऑनलाइन ही हो, बट आई विल एश्योर यू कि आई विल गिव माई बेस्ट कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा ही फील हो. बस आपको दो चार पॉइंट्स जो मैं कहूँगा वो आपको फॉलो करना है. वो फॉलो इस तरीके से करना कि जब मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा तो प्लीज़ आप उसको डायरेक्ट उतारिए मत. जैसे हम कैसे क्लास में हम नॉर्मली करते थे कि आप मैं आपको देता था फिर आप सॉल्व करते थे, आप प्लीज उसी पैटर्न पे चलिएगा. जब मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा तो मैं तो डायरेक्टली सॉल्व करूंगा. आपको बस ये करना, आपको वीडियो पॉज करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके आपको उनको सॉल्व करने, ठीक है. तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक. तो आवर चैप्टर इज सॉल्यूशन, ठीक है. ओके, नाउ आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो पहले हम सॉल्यूशन को कवर करेंगे, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कवर करेंगे. और एक्चुअली इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें हमें पढ़ना है पहले कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है. ओके, ये हालांकि कंसंट्रेशन टर्म हम क्लास 11 में भी कर चुके, बट फिर भी एक रिविजन के तौर पर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ. सेकेंड जो हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर. बेटा ये अब एक बात और, ये जो टॉपिक है वेपर प्रेशर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वेपर प्रेशर पे ही पूरा सॉल्यूशन डिपेंड रहता है. अगर जिस बच्चे को वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब समझ लो उसको सॉल्यूशन, तो वो उंगलियों पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है. मतलब इतना सोच लो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तीसरा जो हमें कवर करना है वो है वॉन्टॉफ फैक्टर. ओके, नेक्स्ट चीज हमें जो कवर करनी है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें पहले पढ़ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. हालांकि मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सेकंड हमें पढ़ना है DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है. तीसरा हमें पढ़ना ऑस्मोटिक प्रेशर, और चौथा पढ़ना RLVP, मतलब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. अब देखो इसमें क्वेश्चन किस में आए हुए हैं. डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में क्वेश्चन आए हुए हैं 2014 में, 16 में और 19 में भी. हाल लेटेस्ट का क्वेश्चन है 19, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में 12 में पूछा हुआ, 2017 में भी पूछा हुआ. ये एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉट इन मेंस, ठीक है. एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे 2009 पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. वेपर प्रेशर पे 2008 में पूछा गया और 16 में भी पूछा गया. तो आप समझ सकते हो हर साल एक या दो क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन से रहते हैं. बिलीव मी, इट इज वेरी इजी टॉपिक. मतलब आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये आप, मैंने क्या बोला था आपको, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री में हार्ड टॉपिक मिलेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम. बट ये बहुत ही आसान टॉपिक है. अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बिलीव मी, इतने आसान टॉपिक से, ठीक है. तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, ठीक है. तो मिक्सचर के हमारे पास दो क्वांटिटी होती है, ठीक है. मतलब दो टाइप के हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं. पहला होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटरोजीनियस. होमोजीनियस होता है, हेटरोजीनियस होता है. होमोजीनियस मतलब क्या, होमोजीनियस मतलब सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है. और हेटरोजीनियस क्या होता है, मोर देन वन फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम एंड मोर देन वन फेज सिस्टम. अब देखो फेज मतलब क्या होता है, the substance which can be separated, उसको हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, ठीक है. जो substance को आप separate कर सकते हो उसको आप फेज बोलोगे. थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को. अगर मैं बात करूं कि दूध में आपने पानी मिलाया है, तो दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की कोई आइडेंटिटी नहीं रहती. पानी किसका कलर ले लेगा, दूध का ले लेगा या उसी का वो फिजिकल स्टेट ले लेगा.
तो बेसिकली ये एक सिंगल फेज सिस्टम है, आप इनको अलग नहीं कर सकते प्रैक्टिकली और इनप्रैक्टिकली, आप किसी भी तरह के इनको अलग नहीं कर सकते। अगर आप इनको अलग कर देते तो चोरी नहीं पकड़ी जाती भाई, दूध में कितना पानी मिला है, बस प्रैक्टिकली इनको अलग नहीं किया जा सकता। हेटरोजीनियस क्या होता है, अब जैसे ऑयल वाटर है, ऑयल वाटर को अगर आपने मिक्स किया तो आप उनको क्लियरली देख सकते हो भाई, जो अलग अलग लेयर है आप इनको प्रैक्टिकली मैकेनिकल मेथड से इनको अलग भी कर सकते हो। हालांकि होमोजीनियस में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये हमें जो भी हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं वो सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये दिस इज द बेसिक्स, ठीक है। अब दूध में पानी मिला, अमूल की बात छोड़ दो भैया, अमूल तो अपने आप में एक ब्रांड है, बट ओवरऑल आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सिंगल फेज सिस्टम को हम होमोजीनियस बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, और ऐसे फेज जिनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करूं, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट विल लूज देयर आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर का तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सॉरी मान लो अगर ये पानी है, ठीक है, अगर मैंने इसमें नमक मिलाया और मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई बताओ इसमें कुछ है क्या, आपको दिख रहा है क्या, तो आप प्रैक्टिकली बोलो सर आप ये तो एक्चुअली पानी है, तो आप बोल सर अगर और मैंने इसमें ऑलरेडी नमक मिलाया हुआ है, तो आपको ये टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि भाई सर ये नमक पानी का सॉल्यूशन, राइट। तो बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपका कॉम्पोनेंट्स डिजोल्व होने के बाद उनको अगर आप नेकेड आई से नहीं देख सकते तो उनको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, ट्रू सॉल्यूशन। तो हम पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर इसी पानी में अगर मैंने सैंड मिलाया होता, अगर इसी पानी में मैंने सैंड मिलाया होता, तो आप बोलते हो कि हाँ सर इसमें तो सैंड मिला हुआ, हाँ ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको हम कोलाइडल्स बोलते हैं। हालांकि ये सब चीजें कोलाइडल्स वगैरह हम जो है, मतलब जिस सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्यूट को नेकेड आई से देख सकते हो वो मेरे लिए कोलाइडेंस हो जाता है, और इन सब चीजों को हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। वो सरफेस केमिस्ट्री हालांकि लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और आसान सा स्कोरिंग टॉपिक है। सॉल्यूशन में क्या, अगर आपने पानी में कोई चीज मिक्स किया, आप उनको नेकेड आई से देख नहीं सकते और उनको सेपरेट नहीं कर सकते, वो मेरे लिए होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और वही डेफिनेशन होती है सॉल्यूशन की। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस in which individual component in which individual component will lose their identity and cannot be separated in pure form by simple method ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के आपके दो पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। किसी भी दुनिया में कोई भी अगर सॉल्यूशन बनेगा उसके दो ही पार्ट होते हैं, उसके दो ही पार्ट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट भैया क्या, देखो हालांकि डेफिनेशन बहुत सारी चीजें, बट जो बेसिक डेफिनेशन हम प्रिफर करते हैं वो डेफिनेशन क्या होती है कि सब्सटेंस प्रेजेंट इन
स्मॉलर अमाउंट, ठीक है, सब्सटेंस जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये डेफिनेशन फॉलो करना है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन डेफिनेशन वेरी भी कर सकते हैं, बट जो बेसिक डेफिनेशन हम जो रिफर करते हैं जनरल केसेस में कि भाई जो सब्सटेंस स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम सॉलिड बोलते हैं, और सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं 40% इथेनॉल, 40% इथेनॉल में सॉल्यूट आपका क्या हुआ, सॉल्यूट ऑब्वियस सी बात है बेटा क्या होगा, इथेनॉल होगा, क्या होगा, इथेनॉल होगा, 40% इथेनॉल है, ठीक है। अब थोड़ा बात ध्यान से समझना, ठीक है, 40% इथेनॉल है। अगर मैं बात करूं 60% इथेनॉल का सॉल्यूशन, अगर मैंने बोला क्या बोला, 60% इथेनॉल, तो अब यहाँ पे सॉल्यूट अगेन क्या होगा, वेरी गुड, सॉल्यूट यहाँ पे इथेनॉल नहीं होगा बेटा, यहाँ पे सॉल्यूट होगा वाटर। देखो दो बातें, मैंने इथेनॉल में पानी मिलाया और पानी में इथेनॉल मिलाया, दो अलग अलग बातें होती है, बराबर। अगर इथेनॉल में पानी मिला रहा हो तो मतलब आप ऐसे समझो इथेनॉल बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए मैंने पानी मिला दिया, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में तो आपका इथेनॉल है उस केस में, ठीक है। और अगर मैंने पानी में इथेनॉल बनाया मिलाया तो ऑब्वियस बात है इसका मतलब यहाँ पे वैलिड हो सकता है भाई पानी बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में, इस वजह से आपने इथेनॉल उसमें मिलाया। देखो WHO जो अभी सैनिटाइजर के लिए जो रिकमेंड किया उसमें क्या है, 70% इथेनॉल होना चाहिए, मतलब ऑब्वियस बात है वहां पे सॉल्वेंट सॉल्यूट वाटर है, वहां पे सॉल्यूट इथेनॉल नहीं है। थोड़ा चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगे, वेरी करनी पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं 50% इथेनॉल की, तो यहाँ पे आप किसी को भी ले सकते हो, सॉल्यूट यहाँ पे वाटर को भी ले सकते हो या इथेनॉल को भी ले सकते हो, तो इट डिपेंड, मैंने बोला डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको ये सब चीजें चेंज करेंगे। देखो जो जो बेस्ट डेफिनेशन होती है सॉल्यूट की वो ये होती है, द सब्सटेंस ऑन डिसॉल्विंग व्हिच लूज देयर फिजिकल आइडेंटिटी, जो ऐसा सब्सटेंस जो अपना फिजिकल आइडेंटिटी लूज करता है डिसॉल्व करने के बाद और वो उसकी फिजिकल फाइनल आइडेंटिटी कौन सी, जो सॉल्यूशन की जो फिजिकल आइडेंटिटी होगी वो ही उसकी फाइनल आइडेंटिटी होती है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट, आप इस तरीके से पहचानोगे कि भाई सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक डेफिनेशन, अब हम बढ़ते आगे की तरफ, ठीक है। अब जैसे हालांकि मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन का हमने हालांकि कर लिया, बट फिर भी यहाँ पे मैं एक रिविजन के तौर पर आपको दोबारा करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म, देखो कंसंट्रेशन टर्म एज यू नो मैं हमेशा दो तरीके से पढ़ाता हूँ, दो 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 पार्ट में इनको डिवाइड करता हूँ। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है क्या, कि भैया आपने इस पानी में नमक मिलाया, ठीक है, ये नमक कितना मुझे नहीं पता, लेकिन इसी चीज को साइंटिफिकली हम मेजरमेंट करने के लिए इन टर्म्स का यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। आपको भी पता होगा कि जैसे आपको अगर इसको बेस्ट समझना है तो आप ऐसा देखो कि आप कभी टूथपेस्ट देख लो या बेसिक आप कोई दवाई वगैरह ले लो, ठीक है, कोई भी दवाई वगैरह आप लेते हो तो उसमें देखना हर कंपोनेंट का परसेंटेज लिखा रहता है कि भैया इतना क्वांटिटी में ये परसेंटेज, इतने क्वांटिटी में ये परसेंटेज, इतने क्वांटिटी में ये परसेंटेज है। तो एक्चुअल में वो डिनोट क्या कर रहा है कि भाई एक तरीके का सॉल्यूशन ही है, उसमें उसका अपना अपना एक परसेंटेज है, ठीक है, आई बात समझ। अच्छा एक बात और, कभी भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर दो लिक्विड सॉल्यूशन मिलाता हूं दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर मैं एक सॉलिड और लिक्विड का अगर सॉल्यूशन बनाता हूं तो उसमें हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सॉरी लिक्विड सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट जो होता है मेरा एक से ज्यादा, सॉल्यूट जो होता है एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे नींबू पानी जब आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है, नींबू पानी बनाते समय आप क्या करते हो कि भाई पानी तो एक ही रखते हो, पानी का कोई वेरिएशन नहीं होता, उसमें क्या होता है नींबू डालते हो एक सॉल्यूट है, नमक डालते हो सॉल्यूट है, चीनी डालते हो सॉल्यूट है, जीरा पाउडर वगैरह समथिंग जो भी आप डालो, ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि भाई सॉल्वेंट एक ही रहेगा आपका, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। हाँ अब इंपॉर्टेंट बात करें कंसंट्रेशन टर्म, तो अब देखो कंसंट्रेशन टर्म को क्या करता हूं मैं,
कंसंट्रेशन तब क्या डिनोट करता है भाई, इस नमक, इस पानी में नमक मैंने कितना डिसॉल्व किया वो उसी चीज को बताता है, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं भाई, ठीक है। अगर आपने भैया अगर इसमें आपने कोई सॉलिड मिक्स किया था उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर, अगर आपने इसी में लिक्विड मिक्स किया, मान लो मैं रूह अफ्जा मिक्स कर दे रहा हूँ इसमें, अब तो गर्मी है भाई, रूह अफ्जा वगैरह मौसम भी आ गया, अगर आपने सिर्फ रूह अफ्जा के लिक्विड है तो आप उसको ml में रिप्रेजेंट करो, तो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म एक रेशियो को डिनोट करता है, जो किसका रेशियो होता, ऊपर तो भैया सॉलिड रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहता, और एक टर्म में सिर्फ सॉल्वेंट आता, वो सब किस टर्म में आता है सॉल्वेंट, मोलैलिटी के केस में। हमने हालांकि 11 में पढ़ा हुआ, ये मैं मान के चल रही है आपको सब आता होगा, ठीक है। तो अब आपके हम कंसंट्रेशन टर्म को एज यूजुअल दो तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। दो तरीका क्या होता है, पहला मैंने ग्रुप ए लिखा और दूसरा तरीका मैंने क्या लिखा, ग्रुप बी लिखा, ग्रुप ए लिखा और ग्रुप बी लिखा, ठीक है। ग्रुप ए मेरे लिए मान लो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, और एक हो गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ग्रुप ए मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया और ग्रुप बी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे, अब जैसे देखो सपोज करो मैंने इस पानी को बॉइल किया, इस मैंने क्या किया, इसमें जितना भी पानी होगा सबको बॉइल किया, मान लो कहीं ऐसे रूम में रखा जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो प्रैक्टिकली क्या इसके मास में कोई फर्क पड़ेगा, मास में तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखा इसका वॉल्यूम जरूर चेंज हो जाएगा। अगर आप 2 लीटर का दूध का खीर बनाते हो तो जरूर थोड़ी ना वो 2 लीटर का ही बनता है, क्योंकि बॉयल होने के बाद उसका वॉल्यूम क्या हो जाता, चेंज हो जाता, बट मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो भाई जो टर्म वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा तो इसका मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, मतलब वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी मेरे कंसंट्रेशन टर्म होंगे वो सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट में आते हैं, और मास रिलेटेड जितने भी होंगे वो किस में आते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, तो पहला है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, परसेंटेज वी बाय वी से डिनोट करते हैं। सेकंड थिंग आती है मेरा परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। तीसरा मेरा क्या आता है, मोलरिटी, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट, हालांकि ये 11 में पढ़ चुके बट फिर भी शॉर्ट टर्म में रिवीजन कर लें। यहाँ पे पहला टर्म क्या आता है, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मतलब वेट बाय वेट, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज वेट बाय वेट। थर्ड सेकंड आ जाता है मोल फ्रैक्शन, क्या आता है, मोल फ्रैक्शन आता है। थर्ड आपका क्या आता है, थर्ड आता है मोलालिटी, क्या आता है, मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको काई से रिप्रेजेंट करता है, या एक्स भी आप बोल सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक टर्म को हम अच्छे से डिटेल में फिर से सीखेंगे, ठीक है, आपका मैं रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो चलो पहला जो बात कर रहा हूँ मैं वो है मेरा पहला ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको चलो 4th दे देते हैं, इसको 5 दे देते हैं और इसको 6 दे देते हैं, ऐसा सही होगा टर्म, ठीक है। तो पहला है मेरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लो मैंने बोला कि 20% वी बाय वी समथिंग इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो 20% वी बाय वी का मतलब सिंपल सा ये हुआ, सिंपल सा ये हुआ कि भैया 20 ml प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो जब भी याद रखना, जब भी सॉल्यूशन के टर्म, सॉल्यूशन में हम जो बात करेंगे वो हमेशा हम जब भी परसेंटेज की बात होती है वो हमेशा 100 के पहले टर्म में लोगे आप, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आप 100 में डिफाइन करोगे। अब दूसरा केजी लीटर की तो यह बात होने से, क्यों भैया केमिस्ट्री लैब में आपको सिंटेक्स की टंकियां नहीं दी जाती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप हमेशा किस में लेते हो, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स में ही सॉल्यूशंस को लेते हो। तो हमारा जो भी ओवरऑल जो होता है वो 100 ml या 100 ग्राम में होगा। तो परसेंटेज वी बाई वी का मतलब सिंपल सा हुआ कि भैया वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो लिख देता हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज वी बाई वी का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बेसिकली रेशियो वही होगा सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, और नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन, अगर मैंने बोला भाई आपके मैथ्स में मान लो सपोज करो 80 मार्क्स आए
तो मैथ्स में बोलोगे भाई मैथ्स का परसेंटेज आपका कितना, तो आप क्या बोलोगे भाई 80 out of 100 या 80% बोलोगे, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स का परसेंटेज आपने कैसे डिसाइड किया, 100 से डिवाइड करके जितना आपने मार्क्स ऑफ किए। सेम थिंग भाई है, सॉल्यूशन मान लो दिया हुआ भैया और उसमें आपसे मैंने पूछा भाई कि कितना आपका होगा, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होता है, आप डायरेक्टली इसको बता सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हाउ मेनी एम एल ऑफ इथेनॉल, हाउ मेनी एम एल ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन, शुड बी एडेड इन, हाउ मेनी एम एल ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर, 50 ml of water, 250 ml of water to obtained a solution, to obtained a solution containing v/v of solvent। देखो जनरली जो बच्चा इस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करना है, फिर से सॉल्व करना है, 5 मिनट टाइम देना है। हार्ड क्वेश्चन है तो 5 मिनट दीजिए, थोड़ा आसान क्वेश्चन है तो आप 1 या 2 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 80% देखो तो क्या बोला, हाउ मेनी एम एल ऑफ इथेनॉल शुड बी प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% v/v ऑफ सॉल्वेंट। 80% v/v सॉल्वेंट बोला है, मतलब उसने सॉल्यूट का परसेंटेज नहीं दिया। यहाँ पे जनरली बच्चा क्या 80% लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेगा, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, बस कहानी खत्म, वहीं पे आंसर तुम्हारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो ये आपको करना नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, 80% सॉल्वेंट का है तो क्योंकि हम कंसंट्रेशन टर्म सिर्फ सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कंसंट्रेशन टर्म जो भी हो, जितने भी होते हैं, सारे के सारे सॉल्यूट्स के लिए रिप्रेजेंट होते हैं, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे 80% दिया तो इथेनॉल का कितना होगा 20, लेट वॉल्यूम वी है नीचे, तो वॉल्यूम सॉल्वेंट का कितना 250 into v into 100, तो ये कितना चला जाएगा 5 times चला जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 5v बराबर क्या हो जाएगा 250 + v, तो ये 4v बराबर कितना हो जाएगा 250, तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा 250 by 4, दैट इज मेरे हिसाब से 62.5 ml आ जाएगा। बट जनरली क्या, तो बच्चा यहाँ पे देखता नहीं है कि ये सॉल्वेंट का है कि सॉल्यूट का है, ठीक है, तो जनरली 80 मान के करेगा और एक ऑप्शन वो भी दिया रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिर जेई में वो ऐसी गलती आपसे करवा सकता है, जेई या नीट दोनों में एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कन्फ्यूजन वाले, ठीक है। तो ये हमारा था पहला, सेकंड है हमारा परसेंटेज w/v। तो परसेंटेज w/v का मतलब क्या है भैया, मैंने बोला सपोज करो एक्स परसेंटेज w/v, तो एक्स परसेंटेज w/v का मतलब ये हुआ कि एक्स ग्राम प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, कितना मतलब है एक्स ग्राम प्रेजेंट इन 100, ओवरऑल आपको 100 से ज्यादा जाना नहीं है और 100 से कम करना नहीं है। तो भैया एक्स ग्राम प्रेजेंट है 100 ml में, तो अगेन इसका डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सॉरी, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं तौर पे समझा रहा हूँ, सपोज करो एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% w/v ऑफ यूरिया। अगर मैंने बोला कि भैया मैं जनरली ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा कॉमन क्वेश्चन है, चाहे जेईई हो नीट हो, कोई भी कॉमन ही कॉमन क्वेश्चन होता है, कि मैंने बोला कि भाई 30% आपको w/v दिया हुआ है, और मैंने बोला कि व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो बच्चा झट से बता देता है 70। ये सोचता ही नहीं कि मैंने क्या दिया है भाई, 30 है तो बचा कुचा क्या होगा, मेरा सॉल्वेंट होगा, क्यों 30% सॉल्यूट है तो 70% क्या होगा। मैंने बोला व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो बोलता 70 ग्राम,
जनरली ऐसे गलत हो जाएगा क्यों? देखो 31WY के मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 30 ग्राम यूरिया। बच्चा ये देखो फिजिक्स में वही बोलता ना, मैं हर बार मैं जेई वाले बच्चों बोलो बच्चा फिजिक्स में जो पहला चैप्टर होता है यूनिट एंड एमओ पढ़ता तो बहुत अच्छे से बट उसको कभी अप्लाई नहीं करता है। आपको बेसिक रूल पता ही होगा फिजिक्स में भी मैथ्स कहीं पे भी सिखाया जाता है कि आप सेम यूनिट वाले को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। भैया ये एम एल है, वॉल्यूम दिया हुआ और ये वेट दिया हुआ, ये एक्चुअल में क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। कैसे भैया? आपको डेंसिटी तो जब तक आपको डेंसिटी नहीं पता चलेगी तब तक आपको मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं पता चलेगा, और जब तक मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं पता चलेगा तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता चलेगा। तो एक्चुअली क्या आप डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर देना, देखिए क्योंकि आपको क्या है ग्रुप ए और ग्रुप बी में कन्वर्ट करने के ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आपसे ये सब बेसिक्स क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला। आपको क्वेश्चन दिया भाई मोलरिटी दिया, मोलरिटी फाइंड आउट करो, मोलरिटी दिया, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। तो इन दो टर्म को कौन चीज रिलेट करता है? इन दोनों टर्म को डेंसिटी रिलेट करता है। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको डेंसिटी दिया जाएगा पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कभी भी सेम यूनिट वाले को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि जब तक भैया आपको मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं पता तब तक, अगर मास ऑफ द सॉल्यूशन पता है मतलब आपको क्या पता है मास ऑफ द अगर आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पता है तो आपको मास ऑफ द सॉल्यूशन पता है क्योंकि वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, और मास ऑफ द सॉल्यूशन पता है इसका मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वहां से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत चीजें को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा बात करते हैं हम मोलरिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? मोलरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बात ध्यान रखिएगा किसमें प्रेजेंट होना चाहिए? लीटर में। अगर यहाँ एम एल है तो ऊपर आप क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई, या तो आप ऐसे कर सकते हो कैपिटल एम बराबर एन बाई वी इंटू 1000, लेकिन ये किसमें होना चाहिए? एम एल में होना चाहिए। हम बेसिक चीज़ें हम क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। तो एक्चुअली मोलरिटी के दो ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई आपको मोलरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ इसके ऊपर। 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन सफिशियंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 liter ऑफ सॉल्यूशन 2 liter ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट पहला है परसेंटेज डब्लू बाई वी, सेकेंड है मोलरिटी। चलो ठीक है, परसेंटेज डब्लू बाई वी और सेकेंड है मोलरिटी। आई नो अगर आपको वो स्पेशल फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट ठीक है वो हम धीरे धीरे आएंगे ये हर चीज़ों पे, ठीक है। परसेंटेज डब्लू बाई वी उसने बोला है पहला चीज, तो भैया वॉल्यूम उसने दे दिया हुआ 2000 ml, क्योंकि हमें किसमें लेना है? ml में चलना। जब भी डब्ल्यू बाई वी वगैरह की बात होगी तो ml में, मोलरिटी नॉर्म और मोलरिटी की बात होगी तो हम आप लीटर वगैरह में या kg में कर सकते हो। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ इंटू आप क्या कर दो 100 कर दो, दिस मतलब 1.5% डब्ल्यू बाई वी आपको ये मिल गया। क्या मिल गया? यूरिया मिल गया। अब मैं बोलूँगा अगर आपको सेकंड थिंग निकालना है मोलरिटी, तो मोलरिटी निकालने के लिए पहले आपको मोल्स ऑफ यूरिया निकालना पड़ेगा। तो यूरिया का वेट दिया हुआ 30, इसका 60 मतलब कितना होगा? 0.5 हो जाएगा। देन व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कितना? 2 liter दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 बाय 4 मतलब ये कितना हो जाएगा? 0.25
मोलर मोलर सॉल्यूशन। देखो एक बात और, यहाँ पे जनरली क्या एक जो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, जनरली एक क्वेश्चन पूछता बच्चा कि मान लो सर ये कुछ पानी है, आपने इसमें कुछ मिलाया, ठीक है, तो क्या प्रैक्टिक मतलब अगर आपने, मैं सॉलिड सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, मैं लिक्विड सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 30 ग्राम यूरिया मिलाया तो ऑब्वियस अब आपने इसमें को सॉलिड फॉर्म में, आपने सॉलिड किस फॉर्म में लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया, जब आपने इसको आप में इसके अंदर मिक्स करोगे तो अब क्या प्रैक्टिकली इसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं, प्रैक्टिकली कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो बातें याद रखना, अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपको नेट सॉल्यूशन के वॉल्यूम में ऐड करना पड़ेगा, और अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से ऐड मत कर देना, ठीक है, क्योंकि आप जीनियस हो सो मुझे पता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए प्रैक्टिकली कभी भी सॉल्यूट सब्सटेंस डालने से, अगर उसका वॉल्यूम दिया हुआ है मान लो तो आप भले वॉल्यूम के टर्म को ले सकते हो, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा उस हिसाब काम करके चला सकते हैं काम, ठीक है। नेक्स्ट चलो ग्रुप बी वाला मेरा, यहाँ से मेरा ग्रुप ए ख़त्म हुआ, तो ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं तो पहला मेरा आएगा परसेंटेज डब्लू बाय डब्लू। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब ये हुआ, अगेन ऊपर क्या रहेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, नीचे अगेन मेरा क्या रहेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा इनटू 100, और वेट ऑफ सॉल्यूशन अगेन मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मीनिंग ये हुआ। फिर से एक क्वेश्चन करते, छोटा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको डायरेक्ट उतारना नहीं क्वेश्चन का, आपको पॉज कर करके उतारना है। 5 moles ऑफ ग्लूकोज are dissolved in 2 liter of water if density of resulting solution is 1.5 gram per ml, then calculate ठीक है। पहला है परसेंटेज W by V, सेकंड है परसेंटेज W by W, थर्ड है मोलारिटी। थर्ड क्या है? मोलारिटी। एक मिनट जस्ट, ठीक है। फिर से आपको वीडियो पॉज करके आया हूँ, सो आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो तो पहले उसने क्या बोला है? ग्लूकोज, ठीक है, जिनको नहीं आता उनको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो अगर इसका मोलर मास की बात करूँ तो मोलर मास 180 हो जाता है, ठीक है। पहला उसने क्या पूछा? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का मतलब उसने क्या पूछा भाई? वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसने 2000 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करे 100 से, वेट ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 5 × 180, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो दिस ओके, ये ऐसे रहेगा 180, अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा? 45% डब्ल्यू बाई वी मुझे मिलता है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की बात करूँ तो अगेन यहाँ पे कितना होगा? 5 × 180, ये मेरा वेट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन? वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ देखो वाटर का जो डेंसिटी मतलब जो वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का मेरा वॉल्यूम होगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ
वेट ऑफ सॉल्यूशन के, तो आप क्या करोगे, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना मिलेगा आपको, 1.5 into 2, तो ये कितना आएगा, 1.5 into 2 मतलब 3 आएगा, कितना आएगा, 3 kg, ठीक है, मतलब 2000, एक्चुअली ये 2000 होगा, तो ये 3000 हो जाएगा, ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूशन 3000, तो नीचे मेरा 3000 into 100, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये 6 times, तो ये 30% मेरा क्या आ रहा है, W by W आ रहा है, क्या आ रहा है, 30% W by W। अच्छा, अब यहीं से स्पेशल फॉर्मूला भी आ जाता है, परसेंटेज W by V को मैं क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज W by W into डेंसिटी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, वेट अपॉन वेट, डेंसिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल, तो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करें, परसेंटेज W बाई वी, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, परसेंटेज W बाई W 30 into 1.5, तो आपको 45% ही आंसर आएगा, तो ये एक पहला स्पेशल फॉर्मूला हो गया मेरा यहाँ से, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, थर्ड वाला चीज़ मुझे क्या निकालना है, मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी आया हो सो आपने निकाल ली होगी, इतना मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मोलरिटी तो और भी आसान है, मोलरिटी भैया मोल्स कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 2 दिया, तो 2.5 है, ठीक है, तो और भी आसान है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप प्लीज वीडियो पॉज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करें, डायरेक्ट ना करें, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, चलो ये सेकेंड मेरा जो है इसमें मोल फ्रैक्शन ग्रुप बी का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, काई से, एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भाई, इट इज़ बेसिकली ये दो रेशियो को रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, रेशियो मतलब कि भाई जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल्स ऊपर रखो, डिवाइड बाय टोटल मोल्स कर दो, ये आपका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, जिस कंपोनेंट का भी आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका मोल्स ऊपर रखिए, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, जितने भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है हर कंपोनेंट्स का टोटल मोल्स ले लीजिए, मतलब मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, किसी सब्सटेंस का अगर आप मोल फ्रैक्शन कर दो, मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोल्स टोटल, ठीक है, टोटल मोल्स का आपको निकालना है। जैसे सपोज करो आपको सॉल्यूट का मोल्स निकालना है, तो सॉल्यूट का मोल्स के आप मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वैसे ही अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करूँ, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा एक बात और, दो बातें याद रखना बेटा, क्या xi की वैल्यू किसी भी ये हमेशा किसी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहते, किसके बीच में रहते, 0 और 1 के बीच में। अब ये बराबर भी मैं नहीं कर सकता, क्यों बराबर इसलिए नहीं कर सकता, अगर एक्स जीरो होने का मतलब है कि सब्सटेंस इज एब्सेंट, सब्सटेंस इज एब्सेंट, और एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है सब्सटेंस इज इन प्योर फॉर्म, मतलब एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है कि सब्सटेंस उसमें प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। अरे बात समझ में, तो आई होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा एक बात और बेटा, ये सिमिलर कुछ थर्मोडाइनमिक्स के जैसा थर्मोडाइनमिक्स अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना,
थ्योरी आपकी क्लियर है तो आपके लिए न्यूमेरिकल, आपने देखा बहुत ज़्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, या उसमें जो भी मोर देन वन वाले आते हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। यहाँ पे भी क्या है वैसा ही है। अभी तो चलो ये बेसिक्स है, कल जब हमारा वेपर प्रेशर चालू होगा, इट्स माई रिक्वेस्ट बहुत अच्छे से समझना उसको। एक बार अगर आपको वेपर प्रेशर का समझ में आ गया ना, तो मतलब आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते इस समय, लेकिन वेपर प्रेशर आपको आना चाहिए। ठीक है, वेपर प्रेशर मैं आपको नो डाउट एक दिन पूरा लूँगा, या हो सकता है डेढ़ लेक्चर चला जाए वेपर, इतना डेढ़ से दो लेक्चर चला जा सकता है वेपर प्रेशर, इतना इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो वेपर प्रेशर समझ जाओ, पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट कर लो, तो सारा सॉल्यूशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले 30 ग्राम ऑफ यूरिया, एक मिनट, क्या टाइम है, 40 मिनट, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, 45 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट फर्स्ट परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, सेकेंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सेकेंड है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। ठीक है, मतलब 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया गया 45 ग्राम ऑफ वाटर में, कैलकुलेट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा, तो पहला मैं अगर परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालने की कोशिश करूँ, तो भाई 30 ग्राम किसका दिया हुआ है, यूरिया, तो मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑब्वियस मतलब आप यूरिया का ही निकालोगे, वाटर का डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आप नहीं निकालोगे। निकाल सकते हो, 45 ऊपर रखोगे, नीचे टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन रखोगे, तो नीचे कितना हो जाएगा, 35 प्लस 45 इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेट 30/75 इंटू 100, तो ये 4 times और ये 3 times और ये 10 times, मतलब 40% आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कुछ है नहीं, आपको क्या करना है पहले मोल्स ऑफ यूरिया निकालो। ओके, चलो पहले मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेते हैं। यूरिया का कितना हो जाएगा, 30/60, मतलब दैट इज़ 1/2, और मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर का मोल्स हो जाएगा आपके पास 45/18, मतलब ये कितना चला जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, मतलब 5/2। तो अगर हम बात करूँ मोल्स ऑफ यूरिया की, तो 1/2 ऊपर, 1/2 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 6/2, तो ये हो जाएगा 1/6। तो अगर आपको वो 1/6 है तो अच्छा, एक बात और, यहाँ पे टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का 1 ही होता है, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स है सबको आप ऐड करोगे तो आपको ओवरऑल मोल फ्रैक्शन कितना हो मिलने वाला, 1 मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट छूट गया था, बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वो आप कैसे कर सकते हो, 1 माइनस सॉल्वेंट भी कर सकते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या, ऐसा समझो बात को, फ्रैक्शन है, मैंने क्या बोला, आपके आपके मान लो सपोज कर आपके पिताजी के 2 बेटे, आप और आपका छोटा भाई। ठीक है, तो आपके पिताजी क्या करते भाई, मान लो उन्होंने 100 रुपये दिए, तो उनके पास मान लो सपोज 100 ही रुपये थे, उन्होंने क्या किया दोनों में, भाई तुम डिवाइड कर लो। ठीक है, एक को 40 दे दिया, एक को 60 दे दिया, हो सकता है दोनों को 50-50 दे दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है मेरा कि भैया टोटल तो आपका 1 ही है, किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 ही होता है। अब उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे नींबू पानी में होता है, नींबू है सॉल्यूट है, नमक है सॉल्यूट है, चीनी है सॉल्यूट है, जीरा पाउडर डालो वो भी सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, तो सबका टोटल मोल्स ऐड मोल फ्रैक्शन ऐड, मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं मोल्स की बात नहीं कर रहा, तो टोटल मोल्स ऐड करने के बाद आपको जो मिलेगा वो आपको 1 ही मिलेगा ओवरऑल। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी।
तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की बात करूँ तो 1 में से 1/6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज योर 5/6, दैट्स इट, इतना ही आपको करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग containing 28% W by W, 28% W by W of KOH if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, ठीक है। सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, परसेंटेज W/V, और थर्ड आपको कैलकुलेट करने बोला है मोलरिटी, ठीक है। तो अब देखो, एक्वा सॉल्यूशन 28% W/W दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आपको बोलना मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। अच्छा, क्या परसेंटेज W/V में नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी, तो परसेंटेज W/W आपका कितना है, परसेंटेज W/W 28 है, डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ 1.25 है, 1.25 को मैं क्या कर सकता हूँ, 5/4 कर सकता हूँ, तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा, तो 35% मेरा W/V आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, तो समझो बात को, 28% अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं सेकंड अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH निकालने के लिए, तो 28% W/W KOH का मतलब क्या हुआ कि इसमें, इस सॉल्यूशन में 28 ग्राम KOH प्रेजेंट है, और आपका 72 ग्राम आपका क्या प्रेजेंट है, 72 ग्राम आपको वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मोल्स ऑफ KOH की, तो ये कितना हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 39 प्लस एक 40 प्लस 16 56, मतलब 1/2। वाटर कितना हो जाएगा, 72/18, मतलब 4 मोल्स वाटर के प्रेजेंट है। तो अब क्या मेरा मोल्स फ्रैक्शन नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, तो कितना हो जाएगा, 0.5 मेरा मोल्स है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.5, तो दैट इज नंबर 0.5/4.5, तो दैट इज 1/9 मेरा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। ओवरऑल ये था मेरा कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। अब लास्ट हम जो डिसाइड करने वाले हैं वो है मोलरिटी, ठीक है। लास्ट टर्मिनोलॉजी है मेरा मोलालिटी, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम का डेफिनेशन क्या है, कि स्मॉल एम का डेफिनेशन है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी इनटू, ठीक है, या तो ये यूज करो, या तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, सॉरी माय मिस्टेक, देखो ब्लंडर मिस्टेक हो गया ना, मैंने क्या बोला, रेशियो हमेशा नो डाउट सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का होता, बट एकमात्र यही एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जहाँ पे आपको सॉल्वेंट का वेट लेना, बस इसी टर्मिनोलॉजी में नीचे में सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में सॉल्यूशन आता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में प्रेजेंट है, तो आप यहाँ क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इन चीज़ों का आप क्या करना, थोड़ा ध्यान रखना।
अच्छा अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है कि भैया जैसे सपोज करो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या मोलरिटी में अगर मैंने बोला मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे सपोज करो मैंने आपको भैया मैंने बोला कि भैया तुम्हारे पास H2SO4 सिंटेक्स की टंकी भर के मैंने तुमको दे दी, मान लो मैंने क्या किया H2SO4 सिंटेक्स इतनी 500 लीटर मैंने आपको दे दिया सिंटेक्स टंकी H2SO4 आपको भर के दे दिया। अब मैंने बोला मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको 500 लीटर करने की जरूरत नहीं, आपको तो एक लीटर में भी आपको निकल जाएगा। ओवरऑल क्या होना चाहिए भाई, एक लीटर में जितना मोल प्रेजेंट है वो आपकी मोलरिटी हो जाएगी। अब आप 500 के लिए निकालो 10 के लिए निकालो, इससे कोई मतलब नहीं है। सेम आपको ये भाई सॉल्वेंट का जितना भी वेट हो अगर आपको पर केजी पता चल गया, मैं सपोज करो मैं बोलो कि भाई सपोज करो मोलरिटी की बात करो कि जैसे बोलते हो 500 केजी सॉल्वेंट में अगर 100 मोल्स है तो देन व्हाट इज द मोलरिटी, आपको हमेशा 500 केजी में 100 है तो 1 में कितना होगा, 500 में अगर 100 अगर 500 केजी सॉल्वेंट में अगर 100 है तो 1 केजी में कितना होगा, 5 होगा, ऑब्वियस बात है। तो हमेशा हम किस में निकालते हैं, यूनिट वाले में निकालते हैं, मतलब ओवरऑल क्या पता 1 केजी में या 1 लीटर में कितना होगा, हमें उतने से ही मतलब है, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल योर मोलरिटी, ठीक है। ओके, नाउ अगर सपोज करो, ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन दिया मैंने आपको यहाँ पे मोलरिटी 1.2 दिया मैंने आपको, डेंसिटी मैंने मान लो दिया 1.25 ग्राम पर एमएल दिया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि भैया एक काम करो आपको मैंने बोला कि कैलकुलेट मोलरिटी, बस मैंने आपको दिया मोलर मान लो ये यूरिया है, मोलरिटी ऑफ यूरिया दिया मैंने, मोलरिटी ऑफ यूरिया आपको 1.2 और डेंसिटी ऑफ यूरिया दिया हुआ 1.25। अगर आपको मोलरिटी निकालना तो देखो बेसिक, अगर आप स्पेशल फार्मूला जो है वो मैं आपको बताऊंगा, बट एक्चुअली वो बहुत लेंथी फार्मूला, और मैं हमेशा ये प्रेफर करूंगा कि कभी भी मोलरिटी दिया वो मोलरिटी और मोलरिटी कैपिटल एम मतलब मोलरिटी, स्मॉल एम मतलब मोलरिटी, मोलरिटी देख के अगर आपको मोलरिटी पूछ रहा है तो सिंपल सा मीनिंग एक बात याद रखना, क्या कि आप वो मेथड से कभी नहीं करो क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है उसको कैलकुलेट करना, आप हमेशा बेसिक मेथड से चलो। भाई आपको क्या चाहिए, मोलरिटी का मतलब है कि मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉलिड तो आपको पता है कैसे, भाई मोलरिटी 1.2 मतलब क्या कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना है 1.2 मोल्स ऑफ यूरिया है, तो ये तो बात आपको पता चल गया। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया तो आपको क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आप करोगे क्या, तो सिंपल सी बात है उसके लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का वेट कितना है मेरा 1 केजी है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा कितना दिया मास ऑफ सॉल्वेंट का तो है 1000 ग्राम, सॉल्वेंट का तो वेट कितना 1000 ऑलरेडी पता क्योंकि मोलरिटी डिफाइन ही 1 केजी सॉल्वेंट में होता है, तो वो मुझे पता है। मोलरिटी दिया है और सॉल्वेंट का वेट नहीं भी दिया तो भी आपको क्या मान के चाहिए, अरे भैया मोलरिटी उसने 1 केजी सॉल्वेंट में ही तो मोलरिटी जो होगी उसने 1 केजी सॉल्वेंट में ही तो निकाला होगा ना, तो बस आपको इतना मान के चलना है कि भाई आपको मोलरिटी दिया, बाकी आपको कुछ नहीं दिया, बस मैंने क्या बोला आपको ये 2 टर्म पता है ना, तो आप मोलरिटी आसान से निकाल सकते हो। क्यों, मोलरिटी दिया मतलब आपको सॉल्वेंट का वेट पता है, भाई सॉल्वेंट हमेशा 1000 ग्राम होगा, 1 केजी होगा विदाउट एनी डाउट, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। अब सॉल्यूट का वेट कितना हो जाए, 1.2 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो दिस और दिस कैंसिल, तो 1072 आपका हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन है 1072 डिवाइडेड बाय 1.25 ग्राम, तो ये आपको वॉल्यूम पता चल, देन व्हाट इज द मोलरिटी, मोलरिटी होगा 1.2 डिवाइडेड बाय 1072 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 1000, क्योंकि ये ml में आएगा, ये जो भी ये वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा। तो इस तरीके से मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आप हमेशा ये मेथड प्रेफर करो, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा, ठीक है। तो कुछ स्पेशल फॉर्मूला है जो मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, हालांकि नीट हो या जेई मेंस हो कभी कभी आपसे डायरेक्ट स्पेशल फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो याद भी रखिएगा इनको, आपको काम ही आएंगे, ठीक है। स्पेशल फॉर्मूला
स्पेशल फॉर्मूला पहला है मेला रिलेशन बिटवीन एम कैपिटल एम परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू एंड डेंसिटी। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल एम को देखो, ये एक मैं ऐसा परसेंट 10 इंटू परसेंटेज डब्लू बाय वी डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये m का मतलब मोलरिटी और ये m का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एक ये मतलब हालांकि w by v है तो मुझे w by w पर करना है, तो इसी को आप एक्सटेंड कर दो इस फॉर्मूले को परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी, क्योंकि परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज बाई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये बड़ा समझ में आया सबको, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला जो आता है रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम स्मॉल एम एंड डेंसिटी। तो आपको कुछ नहीं, मोलरिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलरिटी। देखो ये एज अ फॉर्मूला याद रख लो, बट अगर आपको मोलरिटी दिया हो मोलरिटी निकाला या मोलरिटी दिया तो मोलरिटी मैं कभी आपको प्रेफर नहीं करूँगा ये फॉर्मूला, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन जाता है। तो आप ऐसा फॉर्मूला के तौर पे इसको भले याद रख सकते हो। ठीक है, तीसरा फैक्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा, रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैपिटल एम एंड मोल फ्रैक्शन। तो कुछ नहीं मोलरिटी स्मॉल एम, तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक बात याद रखना बेटा, बाकी सब फॉर्मूले में सॉल्यूट का होता है बट इसी फॉर्मूले में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर उसके बाद हम अपना आज का सेशन ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.2 gram per ml, then calculate first, इसी में सारा कर लेते हैं, capital M, second small m, थर्ड हो जाएगा परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा परसेंटेज डब्लू बाई वी। तो आप, मैं यही आपको सजेशन दूंगा, आप क्या करिए, पॉज करिए फिर अटेंड करिए। ठीक है, देखो अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ तो स्मॉल एम का वही स्पेशल फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब 0.2 सॉल्वेंट हो जाएगा 0.8 इंटू 1000 बाय अब बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, बेंजीन का मोलर मास होता है 78 होता है। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ सॉल्व करिए, जो भी आता है 1/4 250। हाँ, तो ये आपका 250/78। ठीक है, अब देखो अगर आपको मोलरिटी पता है और आपको मोलरिटी निकालना है तो डोंट यू थिंक सो इट्स अ बिट टफ कैलकुलेशन, तो हमेशा आप यूनिटरी मेथड से जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर मैं बात करूँ किसके बात कर रहा हूँ मैं,
परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की, ठीक है। तो समझो बात को इधर, ठीक है। मुझे पता है डेंसिटी पता है, अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 1000 ग्राम, क्योंकि कुछ ना दिया जाए तो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलरिटी जहाँ निकालनी मतलब समझ लो वो 1 kg में निकला हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करूँ तो वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करूँ तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 250/78। I2 का मोलर मास आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, मुझे आइडिया नहीं है तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा पूरा इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको ये पता चल गया तो कैलकुलेट फ्रॉम हेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, इसका मतलब यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोलरिटी। मोलरिटी प्लीज़ आप इसको मुझे सेंड करोगे इसका आंसर, मैं ठीक है मैं इसको आधा ही कर रहा हूँ। मोलरिटी आ गया तो आप इन दो फॉर्मूले से क्या परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू और डब्ल्यू बाई वी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम जो लास्ट जो दो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मेरा डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। डाइल्यूशन फॉर्मूला मैं बात करूँ डाइल्यूशन का, अच्छा एक बात बताइए आप ऐसा सोचिए कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपको पता होगा जब आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है या आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जब उनसे सब्जी ज़्यादा चली जाती है, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो जब मम्मी खाना बनाती है और सब्जी बना रही है और सब्जी में मान लो नमक गलती से ज़्यादा चला गया तो मम्मी क्या करती है, नमक ज़्यादा और नमक और मिलाती है नहीं, क्या करती है पानी ज़्यादा डालती है। क्या पानी डालने से उस सब्जी में नमक कम हो गया, नहीं, नमक अभी भी उतना ही है, बट उसका क्या हुआ, अभी मैंने क्या बोला कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है भैया, कि कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का रेशियो। तो भाई जितने फाइनल सॉल्यूशन जो था ओवरऑल वो अब ज़्यादा हो गया, आपने पानी डाला तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया, तो भाई जितने पहले प्रेजेंट थे मतलब सॉल्यूट जो जितना नमक प्रेजेंट था पहले मेरा इनिशियल वॉल्यूम में वॉल्यूम बढ़ गया तो अब मोल्स कम हो जाएंगे। जब आपने पानी डाला सब्जी में तो वॉल्यूम बढ़ा सब्जी का जब वॉल्यूम बढ़ा तो मतलब जो पहले प्रेजेंट था इनिशियल वॉल्यूम में जितना नमक था अब उतना नमक और ज़्यादा वॉल्यूम में उतना ही नमक थोड़े से ज़्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये होगा कि आपको नमक का टेस्ट उतना बैलेंस हो जाता है, तो दैट इज़ वाई हम पानी ऐड करते हैं। तो क्या नमक कम हुआ, नमक उतना ही है बट उसका कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है इसमें डाइल्यूशन फॉर्मूले में मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो रहता है बेटा वो क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहता है आपका भैया कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसमें वॉल्यूम बढ़ता है और मोलरिटी क्या हो जाती है घट जाती है, ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका N1V1=m2V2। अब आप यही बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो हमने रेडॉक्स में भी देखा था, रेडॉक्स में है बट वो वहाँ पे हम नॉर्मलिटी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मोलर क्योंकि हमारा यहाँ काम मोलरिटी से चलता है, नॉर्मलिटी वहाँ पे रेडॉक्स होता है तो इससे नॉर्मलिटी है तो एन फैक्टर भी है, तो इस तरीके से हम वहाँ पे क्या करते हैं रेडॉक्स टाइटेशन का भी होता है, रेडॉक्स टाइटेशन भी बेसिकली इसी फॉर्मूले पे बनता है, बट हालांकि यहाँ टाइटेशन का हमें कोई यूज़ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो दो टर्म याद रखना, सेमी मोलर मतलब m/2 होता है, डेसी मोलर क्या होता है m/10 होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम बेटर है, क्या है क्वेश्चन, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl solution to make it decimolar solution। देखो क्या बोला, कितना पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा decimolar बन जाए, तो कुछ ने m1v1=m2v2, तो m1 तो सेमी मोलर मतलब m/2 दिया हुआ वॉल्यूम है 500, दूसरा है ये m/10 दिया हुआ और ये वॉल्यूम मुझे निकालना है, m m कैंसिल हो जाएगा ये 5, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा
2500। अब आपने कितना पानी ऐड किया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड मतलब कितना हो जाएगा भाई, ऑलरेडी 500 तो था ही ना, तो इसमें 500 सब्ट्रैक्ट करो तो 2000 ml आपने क्या किया, पानी को ऐड किया। तो देखो आंसर टू ये भी दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आपको ये लगा भैया आंसर तो आ गया हमारा, तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा था। अब इस आज के सेशन का लास्ट टॉपिक हम करते हैं, दैट इज है मेरा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी मिक्सिंग में जैसे आपने क्या आपने क्या होगा कि आप मसाला सोडा वगैरह पीते हो, तो मसाला सोडा वगैरह में क्या होता है कि उसमें सोडा डालते हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी डाल देते हैं, उसमें फलाना फलाना ढिमका ढिमका मिक्स कर देते हैं और फाइनली हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि भाई हमारे बचपन में क्या होता था कि भाई कोल्ड ड्रिंक हमारे यहाँ हमारे टाइम में बड़ी बात होती थी, भाई कोल्ड ड्रिंक आया घर में, ठीक है। आजकल कॉमन हो गया कोल्ड ड्रिंक, तो क्या होता था जब कोई मेहमान वगैरह आता तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पापा लोग लेकर आते थे, तो पेप्सी मिरिंडा माउंटेन ड्यू, तो ये सब क्या होता था, ये सब आने के बाद जो थोड़ा थोड़ा बच जाता था हम क्या करते उनको मिक्स करके पीते थे। तो अलग लेवल का ज़माना था हमारा भी, ठीक है। तो मिक्सिंग से वही थोड़ा मुझे याद आ गया। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या है कि भाई आप 3-4 सॉल्यूशन है उसको मिक्स कर दो और उनका रिजल्टेंट आप मोलरिटी निकाल लो, तो दैट इज़ द मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ओवरऑल क्या होगा, देखो कहने का मतलब क्या, जैसे सपोज कर इस कंटेनर में मान लो कोई एक सॉल्यूशन है मेरा, ठीक है, जिसका मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1 है। इस कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 2 है, ये सॉल्यूशन 1 है, जिसका मोलरिटी M2 और वॉल्यूम V2 है। और इस कंटेनर में आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन 3 है, जिसका मोलरिटी M3 और वॉल्यूम V3 है। देखो ओवरऑल कहने का मतलब है, आप जब इन किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो आप मोलरिटी मिक्स नहीं कर, आप उनके एक्चुअली आप मोल्स ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मोल्स को, क्योंकि मोल्स और वॉल्यूम क्या होते हैं, मोल्स और वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी के होते हैं, बराबर। आपको याद भी होगा मैंने आपको ये चीज़ आयनिक के लिए में सिखाया, थर्मोडायनेमिक्स में वॉल्यूम और मोल्स हमेशा एडिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो रिजल्टिंग मान लो आपने तीनों को मिक्स किया और एक सॉल्यूशन 4 बनाया, क्या बनाया, तो इसका रिजल्टेंट जो मोलरिटी होगा यही मेरा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग कहलाता है। तो कुछ है नहीं, आपके सबके मोल्स क्या करना है, ऐड करना डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर देना, ठीक है। तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3VT डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट्स इट, खत्म बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर, अब जितने भी सॉल्यूशन सबके मोल्स आप कैसे निकालो, मोलरिटी दिया वॉल्यूम दिया, तो मोल्स बराबर क्या होगा, M into V, तो टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये रिजल्टेंट मोलरिटी हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते छोटा सा, फिर इसके बाद सेशन कंप्लीट करते हैं पूरा 1 घंटा। क्वेश्चन है मान लो मेरा 200 ml ऑफ 2 मोलर HCl सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक में लिया मैंने 300 ml ऑफ 3M HCl सॉल्यूशन। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ पे देखो भूल गया, देखो यहाँ पे दो बातें याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, दो बातें, वो क्या कि मिक्सिंग का फॉर्मूला तभी वैलिड हो सकता है जब सेम सब्सटेंस हो, क्या होना चाहिए, सेम सब्सटेंस होना चाहिए या एटलीस्ट कॉमन आयन होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, अब मान लो आपने कोई दो ऐसा सब्सटेंस बनाया जो एक दूसरे से रिएक्ट कर गए, तो अब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा बेटा,
मिक्सिंग के केस में ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब कॉमन आयन होना चाहिए या द सेम सब्सटेंस को आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। तो आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो फॉर्मूला है उसमें क्या था, M1V1+M2V2+M3V3/V1+V2, वो क्या था, वही तो फॉर्मूला ही है, सेम फॉर्मूला वही है, बस उसका नाम अलग हो गया, बाकी है कुछ नहीं अलग। अगर मैंने इसका रिजल्टेंट मोलरिटी बोला तो क्या होगा, 200 × 2 × 300 × 3 / 500, तो 400 + 600 / 500, तो 1000 / 500, तो दैट्स नथिंग बट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉरी यार माय मिस्टेक, यार 900 आएगा, वही मैं कुछ सोचू कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, 900 × 2 = 1300, तो ये हो जाएगा 2.6। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, 2 और 3 का एवरेज कितना होता है, 1.5। आप ऐसा अगर आपको रिजल्ट आपको डायरेक्टली करना होता तो आप इसको ऐसे कर, इनका अगर एग्जैक्ट सेम वॉल्यूम होता तो एवरेज मेरा कितना, देखो रिजल्टेंट मोलरिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एवरेज मोलरिटी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब नंबर लाइन सिस्टम अगर दोनों का वॉल्यूम सेम रहता तो आना चाहिए था ये, लेकिन अब वॉल्यूम किसका ज़्यादा, वॉल्यूम है 300 वाले का, तो ऑब्वियस बात है वैल्यू क्या रहेगी, 2 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, मतलब इट विल बी नियरली अप्रॉक्स 3 के पास ज़्यादा रहेगी। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी की चीज़ें कल करेंगे, और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आज से बेसिक्स थे, तो कल मिलते हैं, थैंक यू।